सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब तो मैं सारे फॉर्म में रट गए होंगे, तो चलो मुझे बताओ टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 6L2। गलत, क्यूब का बोला था मैंने, कुछ क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड का टी एस ए हमेशा याद रखो क्या होता है, 2LV प्लस बी एच प्लस एच एल। ऐसे ही बताओ मुझे सी एस ए ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2H(L+B)। अब मुझे बताओ वॉल्यूम क्या होती है क्यूबॉइड की? वॉल्यूम रहती है ये πε। वॉल्यूम रहती है क्यूबॉइड की L×B×H। अब मुझे बताओ टी एस ए ऑफ कोन ये क्यूब क्या रहता है, और ये तुम सही बताओ क्या, अभी बताया था ना पहले तुम, 6L2 ये रहता है एग्जैक्टली। और सी एस ए क्या रहता है? सी एस ए वो 2 4L2। ऐसे ही वॉल्यूम क्या रहती है? इतने फॉर्मूले पूछे, एक तुमने सही सुनाया बस, कौन सा ये वाला कैसे चल रहा है? नहीं सुनाया अब, नहीं तुमने बोला 2H+L+B और इसमें है 2H×L+B। मैंने 2H+L+ बोला, नहीं तुमने प्लस बोला है, डोंट कॉन्ट्राडिक्ट मी। अब बताओ चलिए कहते कैमरा लग रहा है देख लो। तो ये 6 है, ये 6 फॉर्मूले किसके हैं? क्यूब और क्यूबॉइड के, और ये क्यूबॉइड है ठीक है, और ये क्या है अपना क्यूब, जो छोटा होता है और जो इक्वल होता है एल एल वो क्यूबॉइड, और ये जो बड़ा सा है लेकिन इसमें एल बी एच होते हैं वो क्या होता है क्यूबॉइड। तो ये तुम्हारे सामने फॉर्मूले लिखे हैं और ये अगले आधे घंटे तक लिख रहेंगे ताकि तुम्हें सब याद आए, और अपन यहाँ पर केवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किस किस के, क्यूब और क्यूबॉइड के। क्वेश्चन में है क्यूबिकल बॉक्स और एक है क्यूबॉइडल बॉक्स। देखो ये क्वेश्चन देखिए, इसकी लेंथ कितनी है अपनी, 12.5, ब्रेथ कितनी है 10 और हाइट कितनी है 8 ठीक है, ये है। और विच बॉक्स इज ग्रेटर, बस इतना पूछा है कि विच बॉक्स है। ये एक्सरसाइज अपनी कटिंग वन मार्क, मुझे पता है कटवा दिए लेकिन 10 वन जरूरी है, एक दो क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा नहीं। विच बॉक्स इज ग्रेटर, चौथा था लेटरल सरफेस एरिया, प्रैक्टिस तो होनी चाहिए यार। चलो शुरू हो जाओ होमवर्क देखो। सही तो है क्या डाउट है इसमें, पीछे आंसर बोल पाई तो तुम नहीं कर रही हूँ पॉइंट में, करो तुम कुछ 12 हो गया तो कर दो पॉइंट में, तो कर वही गड़बड़ होगी। चलो देखो पहले क्वेश्चन समझो, अभी क्या दिया है क्वेश्चन में, एक क्यूबिकल बॉक्स है यानी कि कौन से शेप का, रूबिक्स क्यूब का ठीक है, उससे समझ लो क्यूब। अपन ने वो शेप बना दिया, ये कौन सा शेप बना दिया अपन ने, क्यूब, वेरी गुड। तो ये बनाना आता है ना तुम्हें ड्राइंग ठीक है, उसकी एच कितनी है, अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अच्छे से रिप्रेजेंट करना सीखो। ये 10 है, कितनी बोली तुमने, 3 वो है मेरे कान में 3D बोला, तो मैंने एच पूछी थी, एच 3D है, एज है 10 सेंटीमीटर। तो ये भी कितनी है भाई, 10, ये भी कितनी है भाई, 10, और ये भी 10। तो ये इसका क्या नाम है, क्यूब बॉक्स, ये अपना क्यूब बॉक्स है। ऐसे तुम बनाओ लेना वहाँ पर गिवन में, ये सब ट्राई में चलेगा गिवन में। तो तुम्हें अपने बोलते क्या असाइनमेंट दिया नंबर काट कौन अरविंद सर, वो तो डराने के तरीके हैं, नहीं काटेंगे। ये क्यूब की जो गिवन है ठीक है, गिवन क्या है, ये फिगर्स बनाना है तुम्हें 3D, और दूसरे ही कौन से फिगर के बारे में बात हो रही है बताओ, क्यूबॉइड के बारे में। तो अपन अब क्या बनाएंगे, एक क्यूबॉइड, और एक क्यूबॉइड मैंने ऐसा क्यों बनाया है क्योंकि क्यूबॉइड दिखाना है ना अपन को, अपन क्यूब दिखा रहे थे वो सेम दिखने लग जाते हैं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा बनाया LBH। और ये क्या है अपना क्यूबॉइड बॉक्स। तो अभी तो मैं फिगर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, 10th क्लास में क्या होगा कन्वर्जन रहेगा कि क्ले लिया, क्या लिया, क्ले, क्ले से गेम खेलते हैं तो बच्चे होती है तो क्ले से बना रहे हैं, तो अपन क्ले का ऐसे क्ले से क्या बना लेंगे क्यूब बॉक्स, कुछ क्ले लेंगे अपन पूरे क्ले में से, उससे क्या बना लेंगे क्यूब,
और वही क्यूब को अब हम क्या बनाएंगे, क्यूबॉइड, उसी क्ले से, तो ऑब्वियसली थोड़ा छोटा बनेगा क्योंकि क्यूब मतलब देख लेंगे वही सब चीज़ें, छोटा बनेगा बड़ा बनेगा, लेंथ क्या होगी, ब्रेथ क्या होगी, हाइट क्या होगी, वॉल्यूम क्या होगी, वो सब हम कन्वर्जन में पढ़ेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के फॉर्मूले को बराबर रखना पड़ेगा। जैसे इसकी वॉल्यूम बताओ क्या है, एल क्यूब, इसकी वॉल्यूम बताओ क्या है, एल इंटू बी इंटू एच, तो इन दोनों को इक्वल रखेंगे। ये सब अपन 10th क्लास में करेंगे, तो इसीलिए उसके लिए क्या ज़रूरी है, फिगर्स बनाने आने चाहिए। तो ये मैंने एल बी एच लिखा है, तुम नहीं लिखोगे, तुम एल की वैल्यू बताओ क्या है, 12.5, बी की 10, एच की क्या है 8, तो ये लिखोगे ना, तो ये तुमने तीनों एल बी एच लिख दिया। बस अब बताओ क्या पूछा है, विच बॉक्स इज ग्रेटर, कौन सा पार्ट, विच बॉक्स इज ग्रेटर, एस्पिरेटर, लेटरल सरफेस, पता है, देखो कर्व्ड जो है ना उसका ही नया नाम क्या है, लेटर, तुम्हारे नाम है ना तो आकर्षक देव, ऐसे आकाश फेमस है तो कर्व फेमस है, हाँ आक्रु, तीन नाम है तुम्हारे, तो आक्रु जो फेमस है वही हो गया कर्व्ड, लेटरल हो गया देव, ठीक है, क्योंकि लेटरल से तो मैं कोई जानता नहीं घर वालों के अलावा, तो तुम्हारे दोस्तों को लूँगा देव को पढ़ा रहा हूँ, कोई नहीं जाने है ना, तो यही है लेटरल, बस ये है कि अपन को जान पहचान आनी चाहिए, कभी लेटर भी पूछ लेंगे, ज़्यादातर तो मैं कब भी पूछा जाएगा। चलो अब सी एस सी निकालो, किसका मैं निकाल लूँगा, क्यूब का बताओ क्या होगा, 4L2, वेरी गुड, 4L2, तो 4L की वैल्यू 10² तो कितना आ गया, 4×100 यानी कि कितना आ गया, 400 cm². अब ये तुमने सी एस सी किसका निकाला, क्यूब का, अब तुम निकालो किसका, क्यूबॉइड का, तो भाई साहब जी क्यूबॉइड का कितना आएगा, कर्व याद रखना, कर्व, हाँ वेरी गुड, 2H एल प्लस बी, 2×H की वैल्यू, यही गलती कर देते हैं बच्चे, एच की तुमने कितनी बोली, 12.5 बोली थी पहले, गलत बोली थी, तो हाइट बोलनी है तुम्हें, ये होती है हाइट, मैंने कितनी बार से लिखवाया है, एल बी और एच, तो ये हाइट है, हाइट कितनी आ रही, 8, लेंथ 12.5, बेस, बेस कितनी है, 10, हाँ आपने लेंथ को वहाँ पे 10 कंसीडर कर, 12.5 लिखे ना, तो वहाँ पे तो हम 10 कर, तो ये ब्रैट लिखी है ना, अच्छा तब क्यूब का है, ये तो क्यूब है, ये क्यूब वर्ड चल रहा है, ठीक है, 2×8 + 12.5 + b, ये कितना आ जाएगा अपना, 16 क्यूब का है, हाँ 2×8 आ जाएगा 16, और 12.5 में 10 जोड़ो, 22, 22×16 कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, करो 22, अरे कैलकुलेटर की जरूरत क्या है तुम्हारी, 22.5×16, 5×6=30, 6×12=14, 15×15=13, + 0, 5×5=20, 0, 10, 4×5=6, 36, मतलब 360 degree क्या हो गया, डिग्री नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर, 360 cm क्या हो गया फाइनल आंसर। तो मुझे बताओ 360 बड़ा होता है या 400 बड़ा होता है, तो लेटरल सर क्वेश्चन क्या पूछा है, विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, किसका बड़ा है, आई थिंक यू एंड व्हाट डू यू थिंक, क्या लिखोगे, हैंस क्यूब हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, नोट कर लो फटाफट।